गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन आवर एसेंट ऑनलाइन क्लास आज की क्लास है हमारी क्लास फाइव के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है जीके तो बच्चों आप अपनी जीके की बुक निकालो जैसा कि बच्चों हमने पिछली क्लास में चैप्टर फर्स्ट है जो पढ़ लिया था आज अपन चैप्टर सेकेंड पढ़ेंगे जो कि आपके पेज नंबर सिक्स पे हैं और जिसका नाम है चैप्टर टू द एनिमल वर्ल्ड यानी जानवरों का जानवरों की दुनिया जानवरों की दुनिया क्या है चैप्टर का नाम द एनिमल वर्ल्ड तो देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उनके आंसर लिखने हैं है ना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पिक योर आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स तो यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है तो इस हेल्प बॉक्स के जरिए आपको इन सारे क्वेश्चनों के आंसर देने हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फर्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड कॉल्ड विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी क्या कहलाता है मतलब पूरी दुनिया में सेकेंड नंबर पे आने वाला सबसे बड़ा पक्षी है उसका नाम बताना है तो उसका नाम है इस बॉक्स में भी लिखा हुआ है उसका नाम है इम ई एम यू e तो इसका आंसर होगा ईम्यू इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड तो ये आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको इसकी फ़ोटो मिल जाएगी होमवर्क की तो आपको देख देख के अच्छे ढंग से आंसर लिखने हैं ठीक है सेकेंड क्वेश्चन है वॉट आर टेम्प्ररी टीथ इन मेमोसॉफ्ट कॉल्ड जो हम मनुष्य स्थनदारी होते हैं उनमें अस्थायी रूप से दांत जो आते हैं गिरते हैं वो क्या कहलाते हैं जब अपन छोटे बच्चे होते हैं और पता ही है दांत आते रहते हैं गिरते रहते हैं टूटते रहते हैं आते रहते हैं जाते रहते हैं तो वैसे दांतों को क्या कहते हैं बताओ मिल्क टीथ क्या बोलते हैं मिल्क टीथ यानी दूध के दांत तो इसका आंसर क्या होगा वॉट आर टेम्प्ररी टीथ इन मेमस ऑफ्टन कॉल्ड द टेम्प्ररी टीथ इन मेमस आर नॉन एज मिल्क टीथ दूध के दांत जो अस्थायी रूप से हमारे दांत आते हैं वह दूध के दांत के नाम से जाने जाते हैं उनको क्या बोलते हैं दूध के दांत मिल्क टीथ मिल्क टीथ क्या बोलते हैं मिल्क टीथ एम आई एल के मिल्क टी डब्लू टी एच टीथ ठीक है फिर नंबर थर्ड आर मेल बीज कॉल्ड नर मधुमक्खियों को क्या कहा जाता है मतलब जैसे मधुमक्खियां होती हैं, उसमें नर होती हैं और मादा होती हैं, है ना तो नर मधुमक्खियों को क्या का? नर और मादा तो पता है ना क्या होता है नर मींस होता है पुलिंग मतलब वो जेंडर उसकी हो जाती है पुरुष बॉयज़ वाली और मादा होती हैं जो स्त्रीलिंग होती हैं जैसे लड़कियां औरतें है ना तो उसी तरीके से ये पशु पक्षियों में भी नर और मादा होते हैं है ना तो मधुमक्खियों में भी नर मधुमक्खियों को क्या कहा जाता है इसका इस इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ड्रॉन्स क्या होगा ड्रॉन्स डी आर ओ एन ई एस तो वो वॉट आर मेल बीज कॉल्ड द मेल बीज आर नॉन एज ड्रॉन्स डी आर ओ एनी एस नंबर फोर वॉट इज कॉमन टू यंग वन ऑफ ए काउ ए जीरा एंड जिराफ और वेल के यंग वन यानी उनके बच्चों में क्या समानता होती है एक तो गाय एक जिराफ और एक वेल इन तीनों के बच्चों में क्या समानता होती है बताओ क्योंकि इन तीनों के बच्चों को क्या बोला जाता है काल्फ क्या बोला जाता है काल्फ तो तीनों को काल्फ को मिला के काल्ब हो जाएगा क्या हो जाएगा C सी एल वी ई एस कल्ब यानी बछड़े एक बछड़ा होता है तो काल्फ बोलते हैं और इसका काल्वज हो जाएगा यानी बहुत सारे बछड़े तो गाय के बच्चों को भी बछड़ा बोलते हैं जिराफ के भी बच्चों को बछड़ा बोलते हैं और वेल के बच्चों को भी बछड़ा बोलते हैं इसलिए वॉट इज़ द कॉमन टू द यंग वन ऑफ ए काउ ए जीराफ एंड वेल द कॉमन नेम ऑफ द यंग वन ऑफ ए काउ जिराफ एंड वेस इज काल्व्स क्या होता है कॉल्स क्योंकि इनके नाम एक जैसे होते हैं बाकी सब अलग होते हैं लेकिन इनके नामों की समानता होती है ठीक है नंबर फाइव विच बर्ड होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर स्टेइंग अंडर वाटर फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम सबसे अधिक लंबे समय तक पानी के भीतर रहने वाले रिकॉर्ड बनाने वाले पक्षी का क्या नाम है बताओ सबसे ज़्यादा जो पक्षी पानी में रह सकता है बहुत लंबे टाइम तक उस पक्षी का नाम बताओ उस पक्षी का नाम है पेंगविन क्या है पेंगविन तो इस पे हेल्प बॉक्स में आपके द एम्पर पेंगविन लिखा हुआ है तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे द एम्पर पेंगविन बर्ड होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर स्टेइंग अंडर वाटर फॉर द लार्जे लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम नंबर सिक्स नई मैनी टू मेजर साउंड विच ए डॉग प्रोड्यूस कुत्ते के द्वारा प्रोड्यूस की हुई दो प्रमुख साउंड या जो दो ध्वनियाँ होती हैं उनके नाम लिखिए उनके नाम होते हैं एक तो कुत्ता भौभौ करता है इसको बार्क बोलते हैं और एक कुत्ता गुर्राता है तो उसको ग्राउल बोलते हैं तो द टू मेजर साउंड विच ए डॉग प्रोड्यूस आर बार्क एंड ग्राउल बी ए आर के बार्क एंड जी आर ओ डब्ल्यू एल क्राउल नंबर सेवन क्वेश्चन आपके पेज नंबर सेवन पे हैं। नंबर सेवन क्वेश्चन क्या है ओनली क्रिएचर दूवेबल अपर ऐसा कौन सा प्राणी होता है एकमात्र ऐसा कौन सा प्राणी है जिसका ऊपरी जबड़ा है जो चल पाता है मूव करता है उप, जो जो मतलब जबड़ा तो उसका ऊपर उप, वाला जबड़ा है जो जो मतलब मूवेबल यानी चलता है तो कौन सा ऐसा एकमात्र प्राणी है वो है एलिगेटर यानी घड़ियाल एलिगेटर इज द ओनली क्रिएचर दैट हैज़ ए मूवेबल अपर जॉ नंबर एट इन विच पार्ट ऑफ द बटरफ्लाईज बॉडीज इज द सेंस ऑफ टेस्ट लोकेटेड इसमें तितलियों के शरीर के किस भाग में स्वाद की अनुभूति होती है कौन सा भाग होता है जिसे जो बटरफ्लाई है जो टेस्ट का सेंस कर ले उनको पता चल जाता है तो कौन सा होता है वह होता है फीट यानी उसका पैर का पंजा द बटरफ्लाई हैज सी द बटरफ्लाई द सेंस ऑफ टेस्ट इन इट्स फिट एफ है ना. नंबर नाइन डज ए डियर सेड एंड ग्रो एवरी हिरण होता है जो हर साल क्या है ना बहाता है और क्या बढ़ाता है बताओ क्या होता है उसका आंसर है एंटलर्स यानी अपने सिंग हर साल में उसके नए सिंग आते हैं और बढ़ते भी हैं और पुराने वाले चले भी जाते हैं तो वॉट डज ए डियर सेड एंड ग्रो एवरी ईयर एंड टलर्स ऑफ ए डियर ग्रोज एवरी ईयर मतलब उनके जो सींग होते हैं जो हमेशा हर साल बढ़ते रहते हैं नंबर टेन वॉट इज ए फीमेल हॉर्स कॉल्ड फिर वही बात आ गई मादा घोड़े को क्या कहते हैं अब मादा मतलब स्त्रीलिंग मतलब घोड़ी है ना घोड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेयर इसमें लिखा हुआ है आपके एम ए आर ई है ना एम ए आर ई -E, मेयर तो व्हाट इज ए फीमेल हॉर्स कॉल्ड मेयर इज नॉन एज फीमेल हॉर्स है ना नंबर इलेवन हाउ मेनी स्टोमक्स डज ए काउ है गाय के कितने पेट होते हैं चार कितने होते हैं चार काउज हैव फोर स्टोमक नंबर डज ए कैमल है ऊँट के पास कितने पेट होते हैं three, मतलब तीन फिर नंबर विच प्रजेंट एनिमल डिड द प्री हिस्टोरिक मेमथ क्लोजली रीप्रजेंट मतलब जो प्रागैतिहासिक मेमथ होता है वो किस वर्तमान दिन के जानवर के बारे में प्रतिनिधित्व करता है तो वह होता है एलिफेंट द एलिफेंट डिड रिप्रेजेंट प्रीहिस्टोरिक मेम्स क्लोजली नंबर फोर्टीन एंड लास्ट द एज ऑफ ए फिश इज डिटरमाइंड बाई एग्जामिनिंग विच पार्ट ऑफ इट्स बॉडी मछली है जो कि मछली की जो उम्र होती है उसके शरीर के किस अंग की जांच करके निर्धारित की जाती हैं तो कौन से अंग होता है उसका स्केल्स मतलब फिश स्केल्स यानी उसके शलग मछली का जो स्किन होती है उसकी त्वचा के ऊपर जो ऐसे घेरे पूरे बॉडी के ऊपर जो घेरे बने हुए होते हैं वही शल्क होते हैं तो उस शल्क को देखकर पता चल जाता है कि यह मछली कितने साल जिएगी तो आपके ये फोर्टीन क्वेश्चन है तो आपको ये फोर्टीन क्वेश्चन अपनी नोटबुक में क्वेश्चन और आंसर दोनों ही करने हैं ठीक है बच्चों तो आपको समझ में आ गया ना फर्स्ट है व्हाट इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड कॉल्ड इम्यू व्हाट आर टेम्प्रेरी टीथ इन मेमोसॉफ्ट एंड कॉल्ड मिल्क टीथ व्हाट आर मेल बीस कॉल्ड ड्रोन्स व्हाट इज कॉमन टू द यंग वन ऑफ ए काउ जिराफ एंड वेल कॉल्स विच बर्ड होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर स्टिंग अंडर वाटर फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम विच बर्ड द एम्परर पेंगविन ने मैनी टू मेजर साउंड विच ए डॉग प्रोड्यूस बार्क एंड ग्रोवल विच इज़ द ओनली क्रीचर दैट हैज ए मूवेबल अपर जॉ एलिगेटर इन विच पार्ट ऑफ द बटरफ्लाइज बॉडीज़ इट्स सेंस ऑफ टेस्ट लोकेटेड फिट व्हाट डज ए डियर सैड एंड ग्रो एवरी ईयर? एंडलर्स व्हाट इज ए फीमेल हॉर्सकॉल मेयर हाउ मेनी स्टोमक डज ए काउ हैव फोर हाउ मेनी स्टोमक डज ए कैमल हैव थ्री विच प्रजेंट एनिमल डीड द प्री हिस्टोरिक मेमर्स क्लोजली रिप्रेजेंटेड एलिफेंट द एज ऑफ ए फिस इज डिटर्माइंड बाई एग्जामिन विच पार्ट ऑफ दिस बॉडी स्केल्स तो आपके ये फोर्टीन क्वेश्चन हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं चैप्टर नंबर टू लगा के अलग नए पेज पर पे, और क्वेश्चन भी लिखने हैं और आंसर भी लिखने हैं ठीक है बच्चों थैंक यू